हाय फ्रेंड्स, मैं बंसीधर, आरएन डिजिटल में आपका सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि दो चार दिन पहले आप सभी लोग जब सो के उठे और आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आया कि आपको वो व्हाट्सएप का कुछ न्यू पॉलिसी है उसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट किए होंगे, शायद कुछ लोग नहीं किए होंगे और कुछ लोग अभी भी डाउट में है कि ये क्या है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है कि ये व्हाट्सएप का न्यू पॉलिसी क्या है, सो उसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोग को बताऊंगा। तो प्लीज मेरे साथ बने रही है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप आज के डेट में हमारा जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम सुबह से शाम व्हाट्सएप देखते ही रहते हैं और व्हाट्सएप के बिना ऐसे लगता है कि शायद व्हाट्सएप के बिना अभी कुछ नहीं हो सकता, तो व्हाट्सएप चाहिए ही चाहिए। जब ऐसे सिचुएशन में व्हाट्सएप में कुछ एक बड़ा बदलाव आता है तो ये बड़ा बदलाव आपको, मेरे को और हम सबको जान लेना चाहिए। सो आज का वीडियो व्हाट्सएप के न्यू पॉलिसी के बारे में ही है फ्रेंड्स। सो चलिए मेरे साथ बने रही है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो अब आपके फ्रेंड्स तक शेयर करना। सो फ्रेंड, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, इट मींस यू बिकम द प्रोडक्ट। अभी पहले समझेंगे इसका मतलब क्या है। अगर आप कोई चीज के लिए आप पे नहीं कर रहे हो और फ्री में यूज कर रहे हो, उसका मतलब आप ही खुद प्रोडक्ट हो। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब बहुत ही समझने का बहुत ही जरूरत है आज के जो जेनरेशन को। व्हाट्सएप ने जो थोड़े दिन पहले, दो तीन दिन पहले लोगों को नोटिस भेजा, नोटिफिकेशन भेजा, आप जानते हैं कितने लोगों को नोटिफिकेशन भेजा? पूरे वर्ल्ड में करीब 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और ये नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट 200 करोड़ लोगों को आ चुका है। आपको भी आया है, आया होगा, मुझे भी आया है। और अगर आपको आया नहीं है बट आपको आ जाएगा और जरूर आएगा। अभी इसमें व्हाट्सएप क्या कर रहा है, वो साफ साफ आपसे परमिशन मांग रहा है। किस चीज के लिए परमिशन मांग रहा है भाई? आपसे ये परमिशन मांग रहा है कि आपके जो व्हाट्सएप में डेटा, जो भी कुछ आप व्हाट्सएप में करते हो, वो सारे के सारे डेटा वो किसको शेयर करने वाला है? फेसबुक को शेयर करने वाला है। इसके लिए आपको परमिशन मांग रहा है। यानी सबसे मजे के बाद यहां पे ये है कि अगर आप व्हाट्सएप के न्यू जो उसके जो पॉलिसी है अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसका मतलब ये हो गया 8 फरवरी 2021 के बाद आप अभी और व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको व्हाट्सएप यूज करने हैं तो आपको ये न्यू पॉलिसी व्हाट्सएप के एक्सेप्ट करने होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आज के दुनिया में, अगर मैं भारत का बात करूं, भारत में करीब 40 करोड़ पब्लिक व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अभी आप ये इमेजिन करिए कि जो 40 करोड़ पब्लिक व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप आज के डेट में हमारा लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, यानी हमें लगता है कि व्हाट्सएप के बगैर कुछ नहीं होगा, और ऐसे टाइम पे व्हाट्सएप हमें बोल रहा है कि हमारा न्यू पॉलिसी है, आप इसको एक्सेप्ट करो। आपके सारे डेटा यहाँ पे किस टाइप के डेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये समझना बहुत जरूरी है, डिटेल में बताऊंगा। सो आपका डेटा हम फेसबुक को शेयर करेंगे, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो तो भैया आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते। तो ये सबसे चौंकाने वाला बात है फ्रेंड्स। जिस चीज को इतने टाइम से हम फ्री में यूज कर रहे थे और फ्री में यूज करते करते आदत बन गया, आज उस कंपनी हमें बोल रहे हैं कि हमारा न्यू पॉलिसी आप एक्सेप्ट करो नहीं तो आप यूज नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, क्या ऑप्शन बचा? तो इसके लिए डिटेल्स में बात करेंगे। अभी ये डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल आपको समझना बहुत जरूरी है और ऐसा व्हाट्सएप ने क्यों कर रहा है और व्हाट्सएप को ऐसा करने के लिए जरूरत क्यों पड़ा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग यूट्यूब के बारे में जानते होंगे, आज हम सब लोग यूट्यूब में एक्टिव है और आज पूरा वीडियो कंटेंट का जमाना है। मतलब यूट्यूब में हम सबसे ज्यादा वीडियो देख रहे हैं आज के डेट में। आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, YouTube जो है वो है Google का प्रोडक्ट है। यानी Google के बहुत सारे प्रोडक्ट में से जैसे Gmail, Google Cloud, ऐसे YouTube भी Google का प्रोडक्ट है।
अभी जो हम YouTube में आर्ट देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, वक्त YouTube में जो आर्ट देख रहे हैं, और कुछ कुछ क्रिएटर्स को, मेरे जैसे कुछ क्रिएटर को YouTube से जो कुछ अर्निंग्स होता है वो गूगल एडसेंस के थ्रू में होता है। अभी जो YouTube जो कर रहा है, गूगल जो कर रहा है, वो ही चीज Facebook करना चाहता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने बहुत सारे टाइम पे देखे होंगे कि आप जाके फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या कोई भी दूसरे ई कॉमर्स कंपनी पे आपने कुछ सर्च किए। एग्जाम्पल, आपको एक बढ़िया सा मोबाइल लेना है, आप वो मोबाइल सर्च किए फेसबुक, सॉरी मोबाइल सर्च किया आपने कोई भी ई कॉमर्स कंपनी में, अमेजन या फ्लिपकार्ट में सर्च किए, फिर आपने खरीदे या ना खरीदे, बाद में जब आप आपके फेसबुक में गए या दूसरे कोई भी सोशल मीडिया पे गए, आपको उस मोबाइल का या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखने शुरू हो जाते हैं। यानी ऐसे साइकोलॉजिकली ऐसे बिलीव किया जाता है, अगर आपको कोई एक चीज चाहिए और आप उसको सर्च कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे, अगर उसका एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार दिखाया जाए, सो वो आप वहां पे बाइंग डिसीजंस लेते हैं। गूगल पर्टिकुलरली एडसेंस के माध्यम से यही चीजें करता है। बट यहां पे बात आता है कि गूगल के प्राइवेसी पॉलिसी कैसा है और डेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू गूगल कैसा है। हम सब लोग सबसे ज्यादा जो रिलाय करते हैं वो है गूगल पे रिलाय करते हैं, और ये बात मैं नहीं आप सब लोग जानते हैं। और लास्ट कुछ सालों में फेसबुक का डेटा और प्राइवेसी रेपुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप सब लोग जानते हैं, इसमें सबसे बेहतर जो है गूगल है। अभी फेसबुक भैया यही करने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक ने, आप सब जानते हैं व्हाट्सएप किसके कंपनी है, व्हाट्सएप जो है फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा है, ये आप सब लोग जानते हैं। अभी व्हाट्सएप के पास कम से कम 200 करोड़ लोगों का डेटा है। अभी ये 200 करोड़ लोग रोज व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं यानी आप कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, कहीं पे खाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं मुंबई में हूं और मैं दिल्ली जाने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, इस डेट को जाने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ, मैं कुछ न्यू कोर्स के बारे में मैं खुद को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, मतलब आप जो कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप में आप कोई भी मैसेज शेयर करते हैं या करेंगे, वो सारे मैसेज के जानकारी व्हाट्सएप फेसबुक को देगा। उसका मतलब ये हो गया फेसबुक गूगल जैसे यही करने वाला है कि वो आपको, आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल आप मुंबई से दिल्ली जाने वाले हैं, आप मान लीजिए कि फ़रवरी 1 वीक को मुंबई से दिल्ली जाने वाले हैं, अभी आप दिल्ली गए नहीं, जाने से पहले आपको वो दिखाने लगा कि दिल्ली में पहाड़गंज में ये होटल है, जाने से पहले वो आपको दिखाने लगेगा कि दिल्ली में ये रेस्टोरेंट है, जाने से पहले आपको दिखाने लगेगा कि दिल्ली में ये जगह घूमने लायक है। सिमिलरली आप मान लीजिए कि जो भी लोकेशन पे है, आपने आपके फ्रेंड्स से व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं कि आज रात को चलते हैं कहीं पे कुछ आउटिंग करने के लिए, रात को डिनर बाहर करेंगे, तो थोड़े टाइम पे आपको एड दिखने लगेंगे आपके सोशल मीडिया पे कि आपके नियर बाय लोकेशन में बिरयानी कहाँ पे अच्छे मिलते हैं, और कुछ चाइनीज कहाँ पे अच्छा मिलता है, या फिर और कोई खाने का आइटम कहाँ पे अच्छा मिलता है। यानी एक टाइम पे फेसबुक ये प्लान कर रहा है गूगल जैसे कि आप जो भी सोचते हैं या जो भी करना चाहते हैं वो आर के माध्यम से फेसबुक में दिखाना चाहते हैं। इसके लिए वो चाह रहे हैं कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपका डेटा जो है हम लेंगे। व्हाट्सएप ये चाह रहा है कि आप एक्सेप्ट करो, आपका डेटा हम लेंगे, फेसबुक को शेयर करेंगे, और बिल्कुल शेयर करेंगे, और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां जो है उन कंपनी को भी शेयर करेंगे। एग्जाम्पल, मैं हनीमून का प्लानिंग कर रहा हूं, तो बहुत सारे कंपनी होंगे जो हनीमून पैकेज बेचते होंगे, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हनीमून प्लान करते होंगे। सिमिलरली आप कोई न्यू स्टडी का प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो उनका एजुकेशन पैकेज बेचना चाहते हैं। कुछ लोग मान लीजिए कि कार खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए कि मुझे मर्सिडीज खरीदना है, किसी को मारुति सुजुकी खरीदना है, तो बहुत सारे गाड़ी के जो कंपनी है वो चाहते हैं कि मेरे कोई बायर कौन है जिसको मैं मेरा आर्ट दिखाऊं। यहाँ पे फेसबुक क्या करने वाला है कि लोगों का साइकोलॉजी के हिसाब से उन्हीं को वही आर दिखाना चाहता है। मैं ट्रेडिशनल एग्जाम्पल दूंगा, पहले टीवी हम देखते थे और टीवी में क्या होता था कि 1 आवर का अगर सीरियल आता था, उस 1 आवर में ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के कंटेंट होते थे और 20 मिनट के एड होते थे, वो एड मेरे लायक है या ना है
वो हमें जबरदस्ती देखना पड़ता था। इसको यूट्यूब ने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। मेरे टाइम पे मैं कंटेंट देख सकता हूँ, मुझे जब भी चाहिए वो कंटेंट देख सकता हूँ, और उसमें आड़ कैसे आएगा जो मेरे लिए रेलिवेंट है। मेरे लिए रेलिवेंट वो यूट्यूब को या गूगल को कैसे पता चलता है? मेरे सर्च हिस्ट्री से उनको पता चलता है। आप सभी लोग गूगल में जो भी कुछ करते हैं वो वहां पे रिकॉर्ड रहता है, और उनका डेटा प्राइवेसी उनका बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से गूगल पूरे दुनिया का नंबर वन सर्च इंजिन है। अभी सेम चीज फेसबुक करना चाहता है, किसके माध्यम से? यूट्यूब, सॉरी व्हाट्सएप के माध्यम से। यानी व्हाट्सएप से डेटा लेके आपका इंटरेस्ट पता करेंगे और आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। इसमें आपको लगता होगा कि फिर इसमें घबराने वाले बात क्या है? घबराने वाले बात तो ऐसे कुछ है नहीं। अगर गूगल ऐसे कर रहा है तो फेसबुक ऐसे करे तो उसमें क्या बुरा है? ये सही है, बट इसके पीछे का जो हिडन चीजें है वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था 2009 में वो लोगों को ये वादा किए थे व्हाट्सएप के कंपनी ने कि हम आपको कंप्लीटली फ्री सर्विस देंगे। खाली फ्री सर्विस नहीं देंगे, आपके जो डेटा है उसको कंप्लीटली प्राइवेसी रखेंगे, यानी वो डेटा हम किसी को बेचेंगे नहीं, किसी को शेयर नहीं करेंगे। ऐसा 2009 में जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था उस टाइम पे व्हाट्सएप ने लोगों से ऐसे वादा किया था, और हम सब लोग ये समझ के चल रहे थे कि व्हाट्सएप में हम जो कर रहे हैं वो सारे फ्री है, उसके लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है। जिसके वजह से क्या हुआ कि व्हाट्सएप के यूजर्स बढ़ते चले गए और आज पूरे वर्ल्ड के कोई भी तीसरे पर्सन में से एक पर्सन जो है वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, और इसका ग्रोइंग जो है वो काफी ज्यादा है। यानी आगे जाके हर कोई एक इंसान व्हाट्सएप यूज करने वाला है, ऐसा व्हाट्सएप और फेसबुक को लग रहा है, जो कुछ हद तक सही भी है। तो यहां पे प्रॉब्लम इस बात की है कि जब उन्होंने बताया था कि हम आपको फ्री सर्विस देंगे, और जब उन्होंने बताया था कि हम आपका डेटा प्राइवेटली रखेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे, और वो बोल रहा है कि हम आपके डेटा जो है लेके फेसबुक को शेयर करेंगे, सो उस वादा का क्या हुआ? अभी फ्रेंड्स, इसमें मेरे डेटा किसी को शेयर करे तो शायद किसको तकलीफ हो सकता है, किसी को तकलीफ नहीं हो सकता है, बट कुछ केस ऐसा है, कुछ सेंसिटिव चीज ऐसा है। मान लीजिए आपका पासपोर्ट आप किसी को भेज रहे हैं, तो वो अगर डेटा शेयर होता है फेसबुक के साथ, आपके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड, आपके फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो सारे डेटा भी व्हाट्सएप फेसबुक को शेयर करेगा। हम बेझिझक हमारे क्रेडिट कार्ड, हमारे डेबिट कार्ड, हमारे पासवर्ड्स, हमारे कुछ और भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हम व्हाट्सएप पे बेझिझक शेयर करते हैं, और हमें लगता है कि ये चीजें जो है कोई नहीं देख रहा है। हालांकि व्हाट्सएप में ये फीचर है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन का फीचर है, जिसमें क्या है कि जब आप किसी को डेटा भेजते हैं वो डेटा उसके पास पहुंच गया तो वो डेटा व्हाट्सएप के सर्वर से चला जाता है। जब तक वो व्हाट्सएप चेक नहीं करते हैं, अगर कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करते हैं 30 डेज तक व्हाट्सएप के सर्वर में रहता है, और उसके बाद वो ऑटो डिलीट हो जाता है। बट यहां इस केस में अगर आपके सारे डेटा, इवन आपके मोबाइल कौन से हैंडसेट यूज कर रहे हैं, कौन से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है, आप उनसे क्या संपर्क कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन से गाड़ी यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो गया कि एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सारे जाएगा। और सबसे दुख की बात यहाँ पे ये है कि मेरे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेरे सारे डिटेल्स, मेरे सारे लीगालिटीज के चीजें अगर व्हाट्सएप के पास जाएगा और व्हाट्सएप लेके फेसबुक को शेयर करेगा, तो फेसबुक डेटा सिक्योरिटी के मामले में कितने अच्छे है वो लास्ट 4-5 साल में आप सब लोग, हम सब लोग अनुभव कर चुके हैं। इसमें गूगल इस मामले में सबसे बेहतर है। सो इसके लिए फेसबुक जो है, मैं यहाँ पे और एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगा। हम सब लोग ये समझ के फेसबुक यूज करते हैं कि ये एक सोशल मीडिया कंपनी है, एक जनरल पब्लिक के लिए राइट है, फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया कंपनी है। हम सब लोग फेसबुक यूज करते हैं सोशल मीडिया के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, बट सच बात तो ये है फेसबुक एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। यानी उसके 99% रेवेन्यू जो है
वो एडवर्टाइजमेंट से आता है। आपको याद दिला दूं, जब आप मैं या हम में से बहुत सारे लोग जो पहले मोबाइल यूज करते होंगे, बहुत सारे लोगों का पहला मोबाइल नोकिया होगा, बट आज के डेट में नोकिया का मार्केट पोजीशन देखिए। सिमिलरली कुछ दिनों में ऐसे हुआ है, फेसबुक से पब्लिक शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं इन द सेंस अभी फेसबुक में इतना अच्छा पब्लिक नहीं है जितना दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, और फेसबुक को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि कहीं अपना हाल नोकिया जैसे तो ना हो जाए, अपना हाल यानी गूगल और यूट्यूब हमें कंप्लीटली रिप्लेस तो ना कर डाले। इसके लिए उन्होंने खुद को अपग्रेड करने चालू किए, यानी गूगल जैसे फेसबुक भी अभी एक न्यू सर्च इंजिन और एक न्यू आर प्लेटफॉर्म के हिसाब से खुद को गूगल से कम्पीट करने जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में ये माना जा रहा है और ये हम सब लोग जानते हैं, जिसके पास जितना डेटा है उसका उतना ज्यादा पैसा है या उसका उतना ज्यादा पहुंच है। यानी व्हाट्सएप के इस न्यू पॉलिसी के माध्यम से रोज करोड़ों अरबों डेटा व्हाट्सएप से फेसबुक को जाएगा, और फेसबुक रोज करोड़ों अरबों डेटा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को बेच के उसमें अरबों रुपया कमाएगा। सो इसके पीछे हिडन चीजें जो है फेसबुक के, वो है पैसे कमाना, यानी आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आर्ट आपको आपके सोशल मीडिया में दिखाएंगे। इसके लिए वो व्हाट्सएप को बोल रहे हैं कि भाई साहब आप जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हमें बताओ और हम उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आर देखेंगे। आपको कभी कभी गूगल में ऐसे फील होता हुआ होगा, एक दूसरा बात बताना चाहता हूं, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा अरे मैं ऐसे सोच रहा था बट ये आर मुझे दिखने लगा, ऐसा सोच रहा था नहीं, आप कहीं ना कहीं सर्च किए होंगे जिसके वजह से आपको आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो आपको दिखता है। वही चीजें फेसबुक करना चाहता है, तभी जाके वो गूगल को कम्पीट कर सकता है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा रेवेन्यू की बात है, वो उसका रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है और आपको ज्यादा से ज्यादा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके हॉबी के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपके ट्रैवलिंग प्लान के हिसाब से, आपके फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के हिसाब से, आप कौन सा गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कौन से मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके किस टाइप के फ्रेंड है, आप कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, ये सब चीज को वो ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आपको दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट। मान लीजिए कि मेरा शाम को प्लानिंग है सेंट्रल मार्केट जाना है, और जाने से पहले मुझे फेसबुक दिखा रहा है कि वहां पे सेंट्रल मार्केट में कपड़े इस दुकान से खरीदना है, और वहां पे मुझे अगर फास्ट फूड खाना है यहाँ पे, वहां पे मुझे अगर ठहरना है मूवी देखना है, तो ये सारे चीजें है, तो लोगों के लिए डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ेगा। वही चीज करना जा रहा है, खाली कंसर्न है कि हमारा डेटा का क्या, हमारा लीगलिटीज का क्या, हम आज के डेट में क्या करते हैं, हमारे लीगल डॉक्यूमेंट भी शेयर करते हैं और ये तो गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है, तो मेरा लीगलिटीज का क्या होगा, जो भारत में लोग इतना सीरियसली लेते हैं, लेते नहीं है, बट ये सीरियस इशू है। इसके लिए आपको अब इस चीज का खास ध्यान रखना होगा कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल कम्युनिकेशन, कोई भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन आप ध्यान से करिए और ट्राई करिए कि कम से कम व्हाट्सएप में शेयर करने के लिए, क्योंकि भैया ये चीजें जो है फेसबुक देख रहा है और आगे देखेगा। और अगर आप यहाँ पे सोचे कि इसका मतलब क्या करें, हम व्हाट्सएप यूज ना करें, व्हाट्सएप को छोड़ दें और हम दूसरे प्लेटफॉर्म यूज कर ले, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टेलीग्राम बहुत अच्छा है, टेलीग्राम यूज कर ले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखिए व्हाट्सएप जब आया था उसने भी कमिट किया था कि हम आपको फ्री देंगे, आपका डेटा को सिक्योर रखेंगे, और वो टर्म एंड कंडीशन इतने छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, कोई पढ़ते नहीं है, आप और मैं भी नहीं पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म आप यूज भी कर लेते हैं और शिफ्ट भी हो जाते हैं, पता चला कि 2 साल के बाद वो प्लेटफॉर्म भी सेम तरीके में न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लाए और वो भी ऐसे बोलने लगे, तो इसके लिए आप ध्यान से यूज करिए। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे रहना है, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना है, वो आपके डिसीजन है, आप बहुत ज्यादा जानते हैं, सो आप ध्यान से डिसाइड करिए। इसमें हमारा टेकवे ये है कि हम हमारे जो प्राइवेसी है, जो हमारे सेंसिटिव चीजें है, हम इस सारे चीजों में हम शेयर ना करें। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप मिलकर आज ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग कब हुआ, अभी हुआ, पहले से हुआ था, ये थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ हमारे भारत के कंपनी रिलायंस जियो के बारे में।
आप सभी लोग, हम सभी लोग रिलायंस जियो यूज करते हैं। आज रिलायंस जियो हम सभी का मोबाइल नेटवर्क का एक पार्ट हो गया है, बिकॉज रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ भारत में उस टाइम पे उन्होंने फ्री दिए, और इतना फ्री दिए, इतना फ्री दिए, फ्री देते गए, और आप और मैं, हम सब लोग रिलायंस जियो यूज करने लगे, जिसके वजह से बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां उड़ गए और वो सब कंपनी बैंकक्रप्ट हो गए हैं, आप सब जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि आपका आदत सा बन गया, और बाद में जब जियो ने चार्ज करने लगा तो अपने को वो नॉर्मल लगा। बट अगर शुरू में जियो चार्ज किया होता तो शायद आप और मैं जियो इतना यूज नहीं करते, हमारे लिए दूसरे कंपनी ठीक था। सिमिलरली फेसबुक और व्हाट्सएप के पास ये विजन काफी सालों से था। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था। जब 2014 में खरीदा था उस टाइम पे वो 1,39,000 करोड़ में खरीदा था, और उस टाइम पे इस बातों के लिए बहुत चर्चा हो रहा था कि फेसबुक ने गलत डील किया, इतना ज्यादा पैसा देके क्यों खरीदा, वो हमको आपको नहीं पता था। बट जो कंपनी के जो ओनर है उनको पता था, उनको ये पता था जो फ्यूचर है वो डेटा के ऊपर ही है, जिसके पास जितना डेटा है वो उतना आगे है, और उनको पता था कि अगर आज हम व्हाट्सअप मैं खरीद लेता हूं और इसको फ्री में हम लोगों को यूज करने के लिए देते हैं, एक टाइम आएगा पूरे लोग व्हाट्सएप यूज करेंगे और उसके बाद इसके थ्रू में हम बिलियंस बिलियंस डॉलर हम कमा सकते हैं, जो आज फेसबुक करने जा रहा है। यानी आपको पहले फ्री में मजा दिलवा दिया, अभी आपके डेटा लेके और आपके डेटा से वो कमाएगा। तो ये सबसे मजे के बाद है, इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको बता चुका हूं कि फेसबुक एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, हमको लग रहा है, जनरल पब्लिक को लग रहा है वो सोशल मीडिया है, बट उसका 99% रेवेन्यू जो है वो एड से ही आता है। 2019 तक फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो 5,21,000 करोड़ हो चुका था, और वो इतना ग्रो करते गया, इतना ग्रो करते गया, आज के डेट में फेसबुक का जो रेवेन्यू है वो मोर देन 10 लाख करोड़ है, और अब भी हमारे भारत में एक्टिव यूजर जो है वो है 40 करोड़ एक्टिव यूजर है। सो मैं लास्ट में आपको एक मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे फेसबुक का एक सेटिंग बताऊंगा। वो सेटिंग ऐसा है कि आप और मैं फेसबुक यूज कर रहे हैं और हम लोग को लगता है कि हम लोग फेसबुक में प्राइवेसी सेटिंग तो हम कर लिए हैं, हमारे डेटा कोई ले नहीं सकते, हम सिक्योर है, ऐसे आपको और मुझे या जनरल पब्लिक को लगता है। बट भाई साहब ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं एज ए डिजिटल मार्केटर बंसीधर, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे, जैसे बोलते हैं ना चोर बाजार या फिर चोर गली या पीछे वाले दरवाजे, ऐसा बिल्कुल है। वो चुपके चोरी छुपके यूज कर रहे थे, यानी आपके सारे जानकारी इससे पहले फेसबुक ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, आपके जाने अनजाने में, 99% अनजाने में आपके सारे डेटा फेसबुक लेके दूसरे कंपनी को शेयर कर रहे हैं। यूरोप में कुछ इसके ऊपर अभी मतलब दूसरे पॉलिसी वो लोगों ने लागू किए, जिसके वजह से अभी फेसबुक इस चीज को छुप के नहीं पब्लिकली करना चाहते हैं, जिसके लिए ये न्यू पॉलिसी लाने का जरूरत पड़ा। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका मेरा जो प्राइवेट डेटा है उसको कैसे फेसबुक आपसे बिना परमिशन लेते हुए दूसरे कंपनी को शेयर करते हैं, और जिसमें वो करोड़ों रुपया कमाते हैं, और अपने को लगता है भाई फेसबुक तो फ्री है, व्हाट्सएप तो फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है बॉस। फ्रेंड्स मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि फेसबुक में कोई चोर दरवाजा पीछे का दरवाजा है क्या, जहाँ पे फेसबुक हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके कोई दूसरे कंपनी को शेयर करके वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हमने हमारे प्राइवेसी सेटिंग ठीक कर दिए, सब कुछ ठीक हो गया, अभी हमारा डिटेल्स कोई चेक नहीं कर सकता। बस ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर और ध्यान से देखिए। चलिए सो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। अभी आपको आपके जो फेसबुक के जो अकाउंट है उसके जो सेटिंग है वहां पे जाना है। ये आप देखिए, मैं मेरे सेटिंग के ऑप्शन में हूँ। सेटिंग में यहाँ पे देखिए मेरे जो माउस है जनरल सेटिंग, वहां पे आपको क्लिक करना है। जनरल सेटिंग के बाद आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन।
जैसे यहाँ क्लिक करोगे आपको और एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ऐसा आपको ओपन हो जाएगा, योर फेसबुक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ क्लिक करना है, ऑफ पेज ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, सॉरी ये है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे आप क्लिक करोगे ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो पेज ओपन हुआ है, सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि मुझे नहीं बता के मेरे अनजाने में फेसबुक ने मेरे डेटा को 251 कंपनी के साथ शेयर किया हुआ है। ये देखिए मैं पूरा ये रिकॉर्ड और ये हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। यानी हमें आपको हम सबको लग रहा है कि भाई साहब हम ये फेसबुक जो यूज कर रहे हैं ये फ्री है, इसमें हमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पे देखिए ऐसे आपका मेरा करोड़ों लोगों का डेटा लेके फेसबुक कैसे दूसरे कंपनी को शेयर करके अरबों रुपया कमाते जा रहे हैं। तो ये आपको मुझे दिखाना था कि ये फेसबुक क्या कर रहे थे, ये चोरी छुपके कर रहे थे, आपके जाने अनजाने में कर रहे थे। अभी व्हाट्सएप के माध्यम से वो ये डिक्लार कर रहे हैं कि ये हम भैया लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप यूज करेंगे, फेसबुक यूज करेंगे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप इतने बड़े हैं, इतने बड़े कंपनी हैं, और ये रेगुलेशंस आप और मैं अगर मना करते हैं कि मुझे फेसबुक यूज नहीं करना है या मुझे व्हाट्सएप यूज नहीं करना है, उससे फेसबुक को या व्हाट्सएप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि फर्क कब पड़ेगा, जब 200 करोड़ में से हमारे भारत के 40 करोड़ यूज नहीं करेंगे तब तो फर्क पड़ेगा। अभी ये 40 करोड़ यूज नहीं करेंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इसमें कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो फेसबुक को या व्हाट्सएप को ये बता सकते हैं कि भैया आप हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो 40 करोड़ पब्लिक अभी यूज कर रहे हैं, या हमारे कोई भी पब्लिक का डेटा आप शेयर नहीं कर सकते फेसबुक को या कोई भी कंपनी को, तो जाके कुछ बात बन सकते हैं। आप और मैं आज यूज नहीं करेंगे या डरेंगे, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि आप सभी को चाहिए कि मुझे काम फास्ट चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, और मुझे हमारे जो दुनिया के जो दौर चल रहा है, डिजिटल मीडिया के जो दौर चल रहा है, इसमें खुद को अपग्रेड रखना है, इसके लिए मुझे ये सारे यूज करने पड़ेंगे। ये यूज नहीं करे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप टेलीग्राम को शिफ्ट हो जाओ, कोई बोल रहे हैं कि और किसी को शिफ्ट हो जाओ। भैया उस बात की क्या गारंटी कि वो टेलीग्राम या जो भी है 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो भी आपके साथ यही करे। बट इसमें हमारा सुझाव यह है कि आप सोचे समझे और आपको जो ठीक लगे वो करिए, बट आपका जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है वो सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में या ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप कम से कम शेयर करें या शेयर ना करें, ताकि आप सेफ रहेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो ला रहूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये न्यू पॉलिसी के बारे में सबको पता होना चाहिए, तो प्लीज आप आपके फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड सर्कल में सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्या न्यू पॉलिसी है, क्या है। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।